नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें कई बार अगर हम पिछले पेपर्स को उठा करके देखेंगे तो पुराने पेपर्स के अकॉर्डिंग आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जो अधिवेशन हुए हैं उनको एक बार हम देखते हैं। देखो विद्यार्थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो हुआ था 1885 में, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। और ये जो अधिवेशन हुआ विद्यार्थियों वो हुआ था बंबई में। उसके बाद आता है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कोलकाता में। कौन सा अधिवेशन था ये? दूसरा अधिवेशन था, और इस दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष थे जो द्वितीय अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा जो अधिवेशन हुआ वो हुआ मद्रास में। कहाँ पर हुआ? मद्रास में हुआ, तीसरा अधिवेशन हुआ, और इसके अध्यक्ष बनाए गए बद्रुद्दीन तैयब जी। कौन बनाए गए? बद्रुद्दीन तैयब जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया, और इसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। किसको? बद्रुद्दीन तैयब जी को। फिर हुआ 1888 में जो चौथा अधिवेशन हुआ वो हुआ विद्यार्थियों इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ, और इस इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए जॉर्ज यूले साहब को। किसको बनाया गया? जॉर्ज यूले साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका? चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष जॉर्ज यूले साहब को बनाया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जॉर्ज यूले साहब को क्या माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष माना जाता है। उसके बाद 1895 से लेकर के 1896 तक, जो 1895 में और 1902 में जो सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष बनाया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, और 1896 का जो अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ये जो रहीमतुल्ला सयानी था जो 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इस समय पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वंदे मातरम को गाया गया था। उसके बाद 1905 में मद्रास में सम्मेलन का आयोजन हुआ, और इस मद्रास सम्मेलन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद आता है 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी विद्यार्थियों। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो है 1907 का अधिवेशन विद्यार्थियों। इस 1907 का सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, उदारवादी गुट और उग्रवादी गुट।
इन दो भागों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गई थी। उदारवादी नेता कौन थे, उग्रवादी नेता कौन थे, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी, तो वो था आपका कौन सा, सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 1908 का जो मद्रास में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1909 में लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। किसने, मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद आता है विद्यार्थियों सबसे इम्पोर्टेंट 1916 का लखनऊ अधिवेशन। विद्यार्थियों इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मंजूदार ने। किसने की थी, अंबिका चरण मंजूदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, यहां आकर के कांग्रेस का क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। कांग्रेस का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिमों के साथ जो नीति अपना रखी थी उस नीति को सहमति प्रदान की, वो थी तुष्टीकरण की नीति। उसके बाद आता है विद्यार्थियों 1917 का जो अधिवेशन हुआ जो कि कोलकाता में हुआ, कहां पर हुआ, कोलकाता में हुआ। और 1917 का जो लखनऊ एनिबिसेंट जिसकी अध्यक्षता की वो प्रथम महिला अध्यक्षा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा एनिबिसेंट की, जो 1917 के अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद आता है विद्यार्थियों 1919 का अधिवेशन अमृतसर में आयोजित हुआ जिसका अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू। 1919 के अधिनियम की अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू वही थे जिन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है और इस कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पहली बार असहयोग आंदोलन की बात कही जाती है। तो असहयोग आंदोलन की बात सबसे पहले जो उठी वो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में उठी जिसका अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। उसके बाद 1920 का जो नागपुर अधिवेशन होता है उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से स्वीकृति मिल जाती है विद्यार्थियों। अब उसके बाद आता है 1921 में अधिवेशन होता है अहमदाबाद में और 1922 में होता है गया में। इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले थे सीआर दास, चित्रंजन दास इसकी अध्यक्षता की। 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता करता है अबुल कलाम, सबसे युवा अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। सबसे युवा जो अध्यक्ष है वो है आपका युवा अध्यक्ष, वो है आपका अबुल कलाम। और 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ और इस बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विद्यार्थियों महात्मा गांधी ने। ये भी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो था आपका बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में आयोजित हुआ था विद्यार्थियों। उसके बाद आता है 1925 में जो अधिवेशन हुआ, इस 1925 के अधिवेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात रही प्रथम भारतीय
भारतीय महिला अध्यक्षा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा के रूप में 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षा बनाया गया था सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ, जिसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षा तो आपको करना है एनी बी सेट, लेकिन आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा तो उस समय नाम आएगा आपका सरोजनी नायडू का। इस कंफ्यूजन को दूर रखें। 1917 में जो अधिवेशन हुआ उसमें एनी बेसेंट को बनाया, और 1925 में जो अधिवेशन हुआ उसमें आपके बनाया गया किसको? आपके सरोजनी नायडू को बनाया गया। उसके बाद 1928 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ, और 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1928 में दादा भाई नौरोजी, और 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। और आप जानते हो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। रावी नदी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है विद्यार्थियों कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। उसके बाद आता है 1931 का सम्मेलन। 1931 का जो सम्मेलन हुआ विद्यार्थियों उसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से आपको पता होना चाहिए, इनकी पुण्यतिथि आती है 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनकी पुण्यतिथि को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और पहली बार इसी अधिवेशन में जो कि कराची में हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? ध्यान रखना, यह अधिवेशन हुआ था कराची में, और इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग उठी थी। कौन सी मांग? मौलिक अधिकारों की मांग जो थी वो सबसे पहले 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ उसमें पहली बार इस बात को उठाया गया था। किसको? मौलिक अधिकारों की मांग को। और इस मौलिक अधिकारों की मांग के समय 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने भारत में एकीकरण करवाया। भारत के एकीकरण को पूरा करवाने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों 1932 और 33 में प्रतिबंधित कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों को, गुप्त सम्मेलनों का आयोजन इस अंतराल में किया गया था। उसके बाद 1934 में बंबई में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की राजेंद्र प्रसाद ने। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है विद्यार्थी, जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है वो है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो गांव में आयोजित हुआ वो था 1937 का फैजपुर सम्मेलन। 1937 का जो फैजपुर सम्मेलन हुआ इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पहली बार जो गांव में आयोजित हुआ वो सम्मेलन भी था फेजपुर अधिवेशन। उसके बाद 1938 में हरिपुरा और त्रिपुरी इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और ध्यान रखना जब त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को मिल गई थी तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से मतलब से त्याग पत्र दे दिया था और इनकी जगह पर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस 1939 हरिपुरा अधिवेशन और 1940 त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद विद्यार्थियों तीन सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, 1946 में मेरठ अधिवेशन और 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ। ध्यान रखना जो राजस्थान में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आजादी के बाद जयपुर में जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों पट्टाभी सितार मैया, पट्टाभी सितार मैया ने जयपुर में जो 1948 में सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी। 1940 में जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता करने वाले थे अबुल कलाम साहब। और सबसे लंबी अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले भी थे अबुल कलाम साहब। सबसे युवा अध्यक्ष भी माने जाते हैं अबुल कलाम साहब। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीन अधिवेशनों की अध्यक्षता की, उनमें थे दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा 1946 में जो मेरठ में अधिवेशन हुआ आजादी के समय, उस समय जो भारतीय आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जेबी कृपलानी साहब। तो ध्यान रखना आजादी के समय जेबी कृपलानी, आजादी के बाद जो जयपुर में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी पट्टाभी सितार मैया ने, और 1940 में जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता करने वाले थे अबुल कलाम साहब। सबसे युवा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबी कार्यावधि तक जो रहे वो भी कौन थे? अबुल कलाम साहब। और ध्यान रखना 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले भी थे आपके सुभाष चंद्र बोस। और दो चीजें जो मैंने आपको बताई, 1970 का अधिवेशन और 1925 का अधिवेशन। 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ उसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। यह आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, पिछले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित क्वेश्चन आए, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आप चाहते हो कि कंपटीशन एग्जाम्स के लायक जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो आप मेरे इस नवभारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको नए अपडेट्स देते रहूं। और आगामी दिनों में जो मैं आपको अपडेट्स देने वाली हूं वो है करंट जीके, क्योंकि पटवारी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए आगे जो मैं वीडियोस आपको देने वाली हूँ वो है समसामयिक घटनाक्रम, जिसमें मैं आपको दैनिक घटनाक्रम की जानकारी दूंगी जो आपके राजस्थान पुलिस, और इसके अलावा जो पटवारी का एग्जाम होने वाला है आगामी दिनों में, जो रीट आने वाली है उन सब में इम्पोर्टेंट होगा, उनसे संबंधित डेटा लेकर के मैं आगे की वीडियोस में आऊंगी। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।